हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस आज आप लोगों को एक होम्योपैथिक मेडिसिन हेयर फॉल RT9 के बारे में बताएंगे। RT9 ऐसे रिपोज कंपनी की मेडिसिन है हेयर फॉलिंग का, हेयर फॉलिंग रोकने के लिए, हेयर फॉलिंग उगाने के लिए। लोग बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि RT9 का बस एक ही काम है कि वो बाल को उगा भी देता है और बाल को झड़ने से रोकता भी है। लेकिन RT9 तो एक मेडिसिन तो होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन और भी होम्योपैथिक में एक सिर्फ बेस्ट मेडिसिन है जो हेयर फॉलिंग और हेयर ग्रोइंग को बहुत ही तेज़ी के साथ लाता है। तो RT9 भी बेस्ट मेडिसिन है, डॉक्टर ऋग्वेद का मेडिसिन है। अगर बाल आपका झड़ता है, बाल में डैंड्रफ है, बाल में हल्का इचिंग हो रहा है, तो आप RT9 मेडिसिन जो ऋग्वेद कंपनी का है वो इस टाइप का होगा, ऋग्वेद कंपनी की है। और इसे आप हाफ कप पानी में सुबह दोपहर शाम 15-15 बूंद 3 बार पिए, और जहाँ पर पैचेज और टेंडर टाइप का जहाँ पर बाल नहीं हो वहाँ हल्का 5-6 बूंद लगा सकते हैं। और ऐसा ही मेडिसिन जैसे जमरंडी क्यू भी है, ओ क्यू जो है वो भी बाल उगाने में बहुत ही बेहतर काम करती है। और हेयर फॉलिंग का बहुत सारा रीज़न है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। पहले इस बात को समझना चाहिए कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। RT9 तो अधिकतर पेशेंट में बाल हेयर फॉलिंग तो तुरंत रोकता है, लेकिन बाल उगाने में बहुत सिर्फ RT9 से वैसा हमने देखें कि RT9 सिर्फ आता है। उसके साथ और भी होम्योपैथी का मेडिसिन जो है उसको आप खाइए तो बहुत ही बेटर काम करेगा। अब सिर्फ RT9 ऐसा नहीं है कि RT9 से आप लिए और आपका बाल झड़ना ख़त्म हो गया, बाल तुरंत हो गया, नहीं। होम्योपैथिक में सिम्टम देखा जाता है, इसमें बहुत सारा दवाई है, RT9 है बहुत है, जबरंडी क्यू है, और एक्सरे पेटेंट मेडिसिन है, और अपना डाइल्यूशन में भी सब मेडिसिन है। तो लेकिन अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है तो किस रीज़न से बाल झड़ रहा है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सुनते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण झड़ता है, ये भी वजह है, गंदगी कारण झड़ रहा है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, पेट में कॉन्स्टिपेशन है, इस कारण से बाल झड़ता है। तो ऐसा बाल झड़ने का बहुत सारा रीज़न है, ऐसा नहीं कि एक रीज़न से बाल झड़ता है। अगर एक रीज़न से बाल झड़े तो हर एक लोग को बाल रहेगा ही रहेगा, किसी को ऐसा नहीं हो कि बाल नहीं है सर पर। तो होम्योपैथिक में बाल झड़ने का, बाल उगने का बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन दवा है। अब बस सिम्टम पर दवाई दी जाता है। अब एसिड फॉस बहुत बेहतरीन दवा है, सुरीनम है, सीपिया है, कलकेरिया फॉस है, सब सिम्टम पर ऐसा दवाई दिया जाता है। ऐसे तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बता सकते हैं कि आप जबरंडी क्यू बाल में लगा भी सकते हैं, और एक मेडिसिन थूजा जो है वो भी बाल में चलता है। हर एक घर के लोग जानते हैं थूजा से बाल, जेनेटिकल प्रॉब्लम से अगर दिक्कत है तो उसे खा आ सकता है, सतवा था आता है। लेकिन और सब सारी दवाइयों को है कि सिम्टम के आधार पर दिया जाना चाहिए, जो ज़्यादा बेटर वर्क करती है। और ऐसे इस वीडियो के माध्यम से ही बता देते हैं कि RT9 एक रिवर्स कंपनी की मेडिसिन है, उसे आप अगर कहीं नहीं दिखाते हैं तो RT9 दवा का आप मार्केट से जहाँ रिवर्स कंपनी का है उसे आप लें, और ताजे पानी में 15 सुबह 15 दोपहर 15 शाम, और जहाँ पर पैसे या डेंजर टाइप का है वहाँ पर 5-6 बजे से जबरंडी क्यू लगता है उस टाइप का लगाएं। लेकिन RT9 यूज़ करें तो जबरंडी क्यू यूज नहीं करें, और कोई दवाई नहीं लें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर और कोई दवाई लेते हैं तो क्लिनिक पर आकर के जो नज़दीकी फिजिशियन है उसे इस बात को समझ लें कोई दवाई लेने की ज़रूरत है कि नहीं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिएगा। आगे भी इस तरह का हम वीडियो में बताते रहेंगे। ऐसे भी हेयर फॉल बहुत सारा है। एक फैक्ट है कि होम्योपैथिक में दवाइयाँ एक से एक है, लेकिन ये नहीं डिटो कहा जा सकता है कि ये दवाई जो है बाल को उगा ही देगा, बाल को झड़ने से रोक ही देगा। सिम्टम को लेना पड़ता है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, साइन सिम्टम क्या है, एटमोस्फेरिक कंडीशन जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर कैसा है, किस तरह पानी से स्नान करते हैं, बहुत सारी चीज़ को देखा जाता है। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।